Good morning, students. Today I will start the numericals of reflection and refraction of light. And the first numerical is focal length of a convex mirror is 10 cm. An object is kept at 20 cm from the pole of mirror. Find the position of image. तो focal length जो दिया हुआ है, focal length of mirror is 10 cm. Means f की value दी हुई है. Solution देख लीजिए. F is equal to दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में F की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में रखी जाती है. ठीक है, फिर एन ऑब्जेक्ट केप्ट, जो मतलब डिस्टेंस रखी गई है ऑब्जेक्ट की, वो U जो रखी हुई है वो 20 सेंटीमीटर है. और ये कॉन्वेक्स मिरर में U की वैल्यू जो है वो आपकी निगेटिव में रखी जाएगी. ठीक है, तो V आपको फाइंड करना है. फॉर्मूला आप लगा दीजिए फोकल लेंथ का. 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U. तो 1/F की वैल्यू 1/10 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/-20. ओके, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/20. ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/10 इज इक्वल टू, अब एक काम करिए, 1 - 1/20 इधर ले आएंगे तो +1/20 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/V. 1/V इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो इसका 20 आएगा, 2 + 1. 1/V इज इक्वल टू 3/20. V इज इक्वल टू 20/3. इसको डिवाइड करेंगे तो 6.7 सेंटीमीटर आएगा. दिस इज द इमेज. सीधा सेकेंड न्यूमेरिकल, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर. अब कनकेव की बात की जा रही है, तो फोकल लेंथ जो होगा कनकेव का वो आपका नेगेटिव में होगा, मतलब F की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगी. ओके, और फिर लिखा हुआ फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. केप्ट, U की वैल्यू जो होगी आपकी ये भी निगेटिव में होगी कनकेव में. ठीक है, तो U की वैल्यू भी -30 सेंटीमीटर. V की वैल्यू फाइंड करनी है तो सॉल्यूशन करेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U. ठीक है, तो 1/F की वैल्यू 1 - 20 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1 - 30. 1 - 20 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/30. ट्रांसफर करके इधर लेके आएंगे, -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/V. कैलकुलेट करेंगे तो 20-30 का एलसीएम ले लीजिए आप, 60 माइनस 3 प्लस 2. 1/V इज इक्वल टू -1/60. वी की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर. ओके, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए. लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर. तो U की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो U की वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी. एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज जो इसमें फॉर्मेशन हो रहा है वो 30 सेंटीमीटर अपार्ट फॉर्मेट हो रहा है, मतलब V की वैल्यू भी आपकी -30 हो जाएगी. तो फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला रखेंगे तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U. अब इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे, देखिए V की वैल्यू निगेटिव में है और U की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निगेटिव में है, इसमें निगेटिव में वैल्यू पुट कर दी जाएगी, 1/30 प्लस 1 - 10. ठीक है, अब देख लीजिए एलसीएम ले लीजिए, पहले इसको आप -1/30 प्लस -1/10 एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा -1 और ये हो जाएगा -3, तो आ जाएगा 1/F इज इक्वल टू, ये देख लीजिए, -4/30. तो F की वैल्यू हो जाएगी -30/4. ठीक है, क्या आ गया, 7.5. F की वैल्यू आ गई -7.5 सेंटीमीटर. ओके, सीरियस क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर. मींस R की वैल्यू जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप इससे बड़े आराम से फोकल लेंथ F की वैल्यू निकाल सकते हैं. बिना F की वैल्यू निकाले
उसका नहीं पता, पहले एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, तो आ जाएगा 20/2 और ये आपका आएगा -10 सेंटीमीटर। -10 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ये होता है कि यू वी और एफ ये तीनों वैल्यू आपकी निगेटिव में फॉर्म होंगी, ठीक है। कनकेव में यू वी और एफ जो है तीनों वैल्यू निगेटिव में फॉर्म होंगी। फिर लिखा हुआ वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस करने की बात कही जा रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करना चाहिए, मतलब यू की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो दैट द रियल इमेज ऑफ डबल, इमेज जो है वो डबल फाइंड कर हो जाएगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है। तो आप एक काम करिए, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो इमेज जो साइज ऑफ इमेज निकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो साइज ऑफ इमेज होगी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, I upon O is equal to माइनस वी अपॉन यू, क्लियर हो गया। अब I की वैल्यू यहाँ पे 2x दी हुई है, तो 2x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू माइनस v की वैल्यू आ गई 2u के बराबर, ये थे 2u के इक्वल हो गई, मतलब v जब माइनस ट्रांसफर करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2u के इक्वल, ठीक है। अब v की वैल्यू आपकी यहाँ मौजूद है, u आपको फाइंड करना है, तो आप पहले सीधी सी बात फाइंड क्या करेंगे, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u, क्लियर हो गया। अब फोकल लेंथ आपका निगेटिव में रखा गया है, तो 1/-10 = 1/-2u, ठीक है, +1/u, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए तो -1/10 = एलसीएम ले लीजिए 2u आएगा, तो -1 + 2, ओके, तो यहाँ पे आएगा -1/10 = 1/2u, ठीक है। तो 2u की वैल्यू, तो 2u = आ गया -10, तो u की वैल्यू आ गई -10/2, तो u की वैल्यू आ गई -5, ये u की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो बात यह है, ये पैदा हो जाती है कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो फिर v की वैल्यू -2u के इक्वल हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू -5 × -2, तो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया।